शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत साल पहले मुंबई की आर्थिक सशक्तता की बुनियाद थी मिल्स। 2.5 लाख मजदूर और उन पर निर्भर करीबन 6 लाख लोगों का पेट पलता था इन मिल्स पर। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी पर मजदूर खुश थे। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मुंबई के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 18 जनवरी 1982 को मिल मजदूरों ने हड़ताल बोल दिया। महीने साल बीत गए और आज 28 साल बाद भी हड़ताल शुरू है। मजदूर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कहते हैं हर बड़े शहर का निर्माण उसकी नींव किसी घिनौने सच पर खड़ी होती है। यह है मुंबई का वो घिनौना सच। मुंबई जो आज बन गई है द सिटी ऑफ गोल्ड। उभी रात जाई बखवाया आता कल तरी किती पढ़ूसा।
आइए आइए धुरी साहब, बैठिए। थैंक यू। आपका हाउसिंग लोन सैंक्शन हो गया है, मुझे आपके दस्तखत लगेंगे फॉर्म पर। हाँ, जहाँ जहाँ क्रॉस किया ना वहाँ पे साइन कीजिए। और हाँ, आपका एडवांस पेमेंट की रिसिप्ट भी रेडी है, एक मिनट। हाँ अनंत, आर यू श्योर यू वांट टू गेट दिस प्लेस? ऑफ कोर्स। एक्चुअली डैड कह रहे थे कि व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग इन शिवाजी पार्क, वो मदद करने के लिए तैयार हैं। मुझे तुम्हारे पिताजी के पैसे नहीं चाहिए। सॉरी। व्हाई परेल? इस जगह एक मिल हुआ करती थी। 35 साल मेरे पिताजी ने यहाँ पे पसीना बहाया है। एक साल हम एक साथ हैं, तुमने कभी बताया नहीं? I don't know. I take a little longer time to trust someone. आज क्यों? Because I trust you. चलो तो। टेरेस पे क्यों लाए हो? यहाँ देखने जैसा क्या है? आह, ये है अपनी बिल्डिंग। चाल दिख रही है? कहाँ पे? वो ऊंची बिल्डिंग है ना, उसके बगल में। वो लेफ्ट साइड में? नहीं नहीं, राइट साइड। वो कॉलेज दिख रहे हैं ना? ओके। वही लक्ष्मी कॉटेज, वहाँ हम रहते थे। वहाँ से वो रास्ता जा रहा है, देखो। हाँ। वो परेल टीटी का रास्ता है। हम 4-5 जन ग्रुप में स्कूल जाया करते थे। बीच वाले रास्ते से चले जाए तो वहीं पे हमारा स्कूल था, शिरोडकर हाई स्कूल। वो सामने दिख रहा है वो KEM हॉस्पिटल। कौन सा? वो कॉलेज वाला? नहीं नहीं, वो डोम दिख रहा है ना, वो वाला। उसके सामने है जो वो वाडे हॉस्पिटल, दैट स्टोन स्ट्रक्चर। यू नो वाडे हॉस्पिटल? पूरे परेल का जन्म वहां हुआ है। शादी होती औरत का नाम वाडिया में रजिस्टर कराते थे। दैट्स सो फनी। मैं भी वहीं पे पैदा हुआ। शिवाजी पार्क का अपना घर है, उससे भी आधी जगह में हम लोग रहते थे। नरू, मंजू, मोहन, आई, अन्ना और मैं, सब साले पंटर थे, राड़ा था। सब साले फटीचर लोग रहते थे, लेकिन चाल का नाम था लक्ष्मी कॉटेज। कमंदा, चाय बना। अभी बना। क्या लेखक महाराज, क्या लिख रहे हो? ऐसे माहौल में क्या खाक लिख के होने वाला है? आई तांबिया देना। ए, पूरा पानी खत्म मत कर। हाँ, अभी भर के रखा है। फुल टॉस कर डालते रहे नालायक। वो सामान दो ना जल्दी। हाँ। ये लो। हाँ, एक। ए गांडा, ध्यान क्या छे तारू? શું થયું પાપા? ધંધો ચોપટ કરી રાખીસ, 10 ના બદલે 100 ની નોટ આપે છે ગધેડા। એ કોણ મુદ્રા ઉપર છે? અરે સત્યાનાશ હો તેરા, યે રેડિયો ગલે મે ડાલ કર નાચ, ચૂલ્હે મે ડાલતી હું તેરા રેડિયો। અબે ગધે, બહાર આકે દેખ કિતના ગીલા કિયા હે। આઈ મે નહીં પોછને વાલી હું, અભી બતા રહી હું મે। એ વો રેડિયો ઇધર લા। ચલ જા રે, અભી તો વિકેટ ગઈ ઝેર કી, અભી ચાન્સ હે।
वो तेरा नहीं है, नरू लाया है, ला इधर। सेल मैंने डाला है, ज्यादा पक पक मत कर। ए मोहन दे ना यार, मुझे विविध भारती सुनने का है। पहले विविध प्रकार से तुलसी में पानी डाल जा। स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये घर है या मछली बाजार? एक लाइन नहीं लिख पा रहा हूँ मैं। इतने साल से एक ही लाइन लिख रहा है। कान के नीचे मारूंगा मंजू। हाँ, और मैं प्यार से खाऊंगी। मंजू चुप, लिखने दो उसे। लिख के कौन सी बड़ी तोप बनने वाला है ये? इस कचरे में क्या खाक तोप बनूंगा? तो फिर ढूंढो दूसरी जगह। बड़ी बड़ी बात है, 5 रुपया कमा नहीं सकता। वो रानी की सविता है ना, उसको रेसिपी लिखने के 75 रुपए मिलते हैं पेपर से। उस फालतू रेसिपी से मेरी लिखाई की बराबरी मत कर। पृथ्वी फेस्टिवल के लिए मैं नया नाटक लिख रहा हूँ। पृथ्वी का नाटक शायद हम लोग स्वर्ग में ही देखेंगे। मैं भी कहाँ अंधों को फिल्म दिखा रहा हूँ। तुम्हारे सड़े हुए दिमाग में हमेशा पैसा ही पैसा। जब घर में बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले हो तो फिर और क्या विचार आएगा? अगर इतनी शर्म है ना तो फिर जा नौकरी ढूंढ। अब फिर से नौकरी की टेप शुरू मत करना। मैं जाता हूँ। जब देखो नौकरी, पैसा, पैसा, नौकरी, ऐसा करके मरेंगे एक दिन। मंजे, 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 मेरा ट्रांजिस्टर दे, मंजे। सॉरी क्यों? नहीं वो क्या? सिर्फ टॉवल ही? मामी तू भी ना कुछ भी बोलती है। आई आई ए आई, इतने में अगर विकेट गई ना तो मंजू की तंगड़ी तोड़ दूंगा, बोल देता हूँ। भाड़ में जाए तेरा क्रिकेट। आज क्रिकेट के चक्कर में छुट्टी तो नहीं मारेगा ना? जाता हूँ, चाय दे जल्दी। चाय दे जल्दी, जब देखो तब बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। निरुपम रॉय, तेरे अशोक कुमार आ गए। क्या हुआ मिलने? बताता हूँ, जरा एक गिलास पानी तो पी लूँ। ए मंजू अंदर आ जा, अन्ना को पानी दे। मोहन देगा तो उसके हाथ झड़ जाएंगे क्या? ए मंजू दूंगा एक आड़े हाथ की। मैं भी दूंगी एक टेढ़े हाथ की। जा जा पहले बाप को पूछ। या? हो गए शुरू सवेरे सवेरे, साला 2 मिनट की चाय नहीं है घर में। शुक्र मनाओ छोटा नहीं है घर पर। वो उस्मान ना खुद को जरा समझने लगा है, बोला नहीं देगा मटन। उसकी माँ की उस्मान की इतनी हिम्मत, ऐसा बोलो तेरे को? फिर चर्बी चढ़ गई उसको, बोला मटन दे तो बोला नहीं देगा। तू बोला उसको मटन मेरे को मांगता है? फिर अबे बोलना है 100% बोला उसको। फिर फिर क्या बोला? नरवीर को नहीं पहचानता है, मटन नहीं देगा। कान के नीचे बजाए थे, बोल बोल बोल। किधर है? अभी इतने टाइम रहने के लिए रिश्तेदार थोड़ी गए हो। बोला नहीं साले को? बोला मैं नरू का हाथ पड़ेगा तो भारी पड़ेगा तेरे को। तो दाढ़ी वाला है ना उसने गप करके गप करके इधर इधर भाई मारा। ये साला दुख रहा मेरे को। इसको मैंने मटन लेने को भेजा, इसको मटन दिया नहीं, ऊपर से बच्चे पे हाथ उठाता, तेरी माँ के लिए दिखा। अरे नरू भाई उस्मान, दुकान जला लूंगा, दंगे की रानी देखूंगा, मैं बोल रहा हूँ। क्यों मारा उसको? इसे कुछ बोला नहीं, दादागिरी कर रहा था। अरे इसने बोलना मांगता ना कि मैं नरू भाई का आदमी है करके। तू बोला नहीं इसको? इसको करना नहीं मांगता है, मैं तेरा राइट हैंड है करके। चाला पागल है, झगड़ा करेगा क्या? मारा मेरे को। सॉरी उस्मान, चल अभी 2 किलो मटन देना यार। ए 2 किलो मटन लगा रे। हाँ भाई जान, मैं दाढ़ी बना गया था, तू मटन घर पे दिया। सॉरी उस्मान, सॉरी दोस्त, सॉरी यार। छोटा बोटी लगा। चाला रोज रोज का मछली। कलेजी डाल, कलेजी डाल, कलेजी डाल अंदर, डाल दे। वो क्या हुआ वो? कपूरा मटन लाया, मटन नरू की आई, नरू ने मटन भेजा है, बोला सूखा मटन और कलेजी फ्राई करने को। क्या ना मेरा कलेजा फ्राई करके देती हूँ तेरे नरू को। हाँ खाना बन गया है, ले चाय ले। तभी लाता मैं। वो उस्मान ने नाटक किया ना? क्या नाटक किया रे? नाटक वैसा नाटक नहीं, नाच गाने का। मैं मजाक कर रहा ना। मेलिया मटन लाया, प्याज अदरक टमाटर कड़ी पत्ता कौन लाएगा? नरू का बाप। लाता हूँ, हर बार मैं ही लाता हूँ। कांदा टमाटर मैं देती हूँ। अरे बच्चे ने लाया तो बना दो।
इस बहाने हमें भी मिलेगा एक कटोरी। ये चुड़ैल तो राह ही देखती रहती है। चुप कर, कुछ भी नहीं तो कहती है। बराबर बोलते हो। अच्छा ये बता, ये बाजीराव कब आएगा खाने को? चल मैं बेटा आ जाएगा। अच्छा तू भी आना खाने को, हैं? आऊंगा ना। मुझे साड़ी अच्छी है। अन्ना, कभी तो लगा दूल हो। अरे बैठ के तो चाय पी। लेट हो जाऊंगा ऑफिस के लिए। कब नहीं होता लेट? ले डबल ले। ए, जल्दी चाय पी ले। दे दो बच्चों को चाय, दे दो खाना, दे दो। सिर्फ मुझे चाय देने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अरे रुक जाओ ना, इन काम वालों को पहले जाने दो। हाँ, मैं एक ही बेकार बैठा हूँ घर में। और ये महारानी कहाँ जाती है बनठन के काम पे? अरे चित्रा के ब्यूटी पार्लर में काम सीखने को जाती है। एक तारीख को पगार हो जाएगा मेरा। देखा माँ, वो फली पर से 12 रुपए ले लिए मैंने। ये बच्चे सुनने वालों में से नहीं है। अरे तेरा नसीब अच्छा है जो ये मुसीबत नहीं है तेरे पास। हाँ, इसी मुसीबत की तो राह देख रही हूँ 12 साल से। मेरे कहने का मतलब भी कुछ भी बकती रहती है दिन भर। अरे गलती से निकल गई। चलो हेमा धर्म, मैं निकलता हूँ। चल अब चाय पियो धर्म जी। टेशन से गाड़ी जब अभी क्या रात को कैसेट ला रही हूँ एक दूजे के लिए। कौन किसके लिए? रात को आना फिर बताती हूँ। मामी तू भी ना, तेरे को तो शर्म ही नहीं है। मामी क्या हो रहा है? क्या क्या? चल चोमड़ी। क्या हुआ? यूनियन लीडर से मिले क्या? पैसे का क्या हुआ? यहाँ काम करने वाले मजदूरों को 6-6 महीने से पगार नहीं मिली, वहाँ हम जैसे रिटायर आदमियों को कौन पूछता है? खेतान सेठ बोल रहा है अभी सबका हिसाब करेगा। पिछले 6 महीने से यही सुन रही हूँ। मालूम है। क्या है, खेतान सेठ आदमी अच्छा है लेकिन उसका जमाई एक नंबर का कुत्ता है। एक कंगन था वो भी पिछले हफ्ते बिक गया। सब जगह यही हालत है। रिटायरमेंट लो तो भी पैसा नहीं, और काम पे जाओ तो भी पैसा नहीं। हमारे नसीब में क्या लिखा है वो बंद रखी जाए। किधर जाते तू? रुक ए ए गड़े, इधर आ इधर आ। अरे अपने पेट पे लात है, कल से खाता बंद है। पट पट पट। ये क्या है? ये चिल्ला मत, देगा कान के नीचे। मैनेजमेंट का ऑर्डर है। ऐसा कैसा? ए मेरे को कुछ पूछने का नहीं है। ए किसको पूछने का? अरे मेरे को क्या? आ बैठ जा। ए गड़े रानी को बुला, रानी को बुला। बुला के लेके आ रहा है। ए वर्कर वर्कर तू भी वर्कर वर्कर वेट। ये देखो इधर नोटिस लगा है। क्या रे गण्या? अभी देखो क्या नोटिस लगा है। क्या रे हैं? ये नोटिस का क्या नाटक है? किसको पूछ के नोटिस लगाया गधे? ये देखो राने, हमको ऑर्डर मिला नोटिस चिपकाओ, हमने चिपकाई। मेरे पे चढ़ने से कुछ होने वाला है। ये मैनेजर के दल्ले, यूनियन वाले मर गए क्या टकले? हैं नोटिस लगाता है? हैं ये ले नोटिस, तेरे मालिक के अंदर डाल दे। गोविंद छोड़, देखता क्या टकले। इसको बोला ए कर चल चल ना तू जा। गोविंद नोटिस फाड़ने से कुछ होने वाला है क्या? तो क्या ऐसे ही चुप बैठेंगे क्या? डॉक्टर साहब को बोलेंगे। चल। This is not the way to behave. I think so we should take this matter to the police. शांति रख संत, ये यूनियन का झमेला बड़ा टेढ़ा होता है, ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है। By the way, what is the reaction of the workers? सर, प्रोसेसिंग वर्कर्स हैव बिकम वायलेंट। स्पिनिंग एंड वीविंग डिपार्टमेंट के वर्कर्स भी स्ट्राइक रख के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। करने दो, कब तक करेंगे? लुक माय सन, पापा
हम नरमी से पेश आएंगे तो वर्कर सर चढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन लेट अस थिंक हाउ टू टैकल दैट डॉक्टर। या सर, डॉक्टर सावंत और रानी आ रहे हैं। ओके, थिंक ऑफ द डेविल। क्या हुआ? डॉक्टर आ रहा है। बरसों से घाटे में जा रही है। कौन कहता है घाटा हुआ है? पिछले साल से 24,000 मीटर कपड़ा ज्यादा बना इस साल। क्या करो तुम्हारे कपड़े का, बिकता नहीं ना बाजार में। तुझसे बात नहीं करने आया मैं खेतान सेठ, आप बेवकूफ बना रहे हैं हमें। माल बाहर प्रिंट हो रहा है और इधर आप प्रोसेसिंग बंद करें। हमें क्या मालूम नहीं है यान भिवंडी में जा रहा है? हाँ, हाँ। आपकी ये चाल है मिल बंद करने की। क्यों नहीं करेंगे, ओवरहेड्स बढ़ गए हैं, मुश्किल हो गया मिल चलाना। हम चलाते हैं, आपसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिखाएंगे। हमारी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आपके हाथों में देने के लिए हम क्या पागल है? ए, मिल तुम्हारे बाप की नहीं है, हमने खून बहाया, उस खून पे तुम्हारे बंगले खड़े हैं। गोविंद शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाओ, ये क्या बता रहा है मुझे? ससुर के दम पे यहाँ बैठा है भड़काओ। डॉक्टर समझाओ इसे। समझाना छोड़ो, आप डिपार्टमेंट शुरू कर रहे हो कि नहीं बताओ। इट्स हाईली इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर आपका यही जवाब है तो हमारी लड़ाई बाहर होगी, रास्ते पे। पछताओगे। चलो डॉक्स। मस्ती चढ़ गई है, मस्ती चढ़ गई है इन मिल मालकों को, खा खा के चर्बी चढ़ी है सालों को। ये मुंबई किसने बनाई? इन मिल मालकों ने नहीं, इस मुंबई को आपने बनाया है। आपके खून पसीने के दम पे बसा है ये शहर। और ये मिल मालिक ऐसे घूमते हैं जैसे ये मुंबई इनके बाप की रखेल है। तालियां। इन हितों को अब मिल नहीं चलानी, इनको चाहिए बड़े बड़े टॉर्स, फाइव स्टार सेवन स्टार होटल्स। अब तुम लोग इस शहर को लगी हुई महामारी हो, महामारी। इसलिए ये साले मिल बीमार दिखा के फटाफट बंद कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आया है सरकार एक कायदा बना रही है, एक रूल बना रही है, डीसी ऐसा कुछ नाम है उसका। इस रूल का फायदा उठा के ये मिल मालिक ये मिल की जगह बेच देंगे। ध्यान में रखो, मिल की ये जगह, ये जो कुत्ते बेचने के लिए निकले हैं, किसकी है ये जगह? बताओ ये जगह किसकी है? इनके बाप की है। 99 साल के लिए सरकार ने इन मालिकों को लीज में दी है ये जमीन। जिस शहर को आपने कपड़ा दिया उस शहर में ये मिल मालिक आपको नंगा घुमाएंगे। 2 सालों में 700 कामगारों को इस खेतान मिल मालिक ने जबरदस्ती रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर किया, लेकिन उनका पैसा नहीं दिया। यहाँ पे 1200 मजदूर काम करते हैं, कई महीने से उनका पगार नहीं दिया है। मुंबई के सभी मिलों में यही हाल है। लेकिन ध्यान में रखो, आप हमारे पेट पे लात मारोगे तो हम आपका गला दबा देंगे। मेरे मजदूर भाइयों, हर मिल में वहां का नेतृत्व आगे आना चाहिए। हमारे मिल में अरविंद राणे ये जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। आप उनके पीछे डट के खड़े रहिए। अरविंद राणे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने इसको लगाया था जॉब वर्कर के, बड़ा हो गया, अच्छा लगता है, आदमी भी अच्छा है। जिंदाबाद। कह रहे मामा किलवर,
संभल के श्रेया, इस बार कोर्ट चढ़ा देंगे। अखा दिन बस पत्ते ही खेलते रहना। क्या हुआ मिल में? राणा, डॉक्टर सिर्फ खड़ा होगा तो सबकी वाट लग गई है। इस बार पैसे मिलेंगे। ए, पैसे मिलेंगे तो पार्टी देनी पड़ेगी बड़ी, समझा क्या? गाय को बछड़ा पैदा नहीं हुआ, ये निकले मक्खन खाने। अरे मामा, तू देखते मत बैठ, तुरुप डाल, तुरुप डाल। ए, होगा तो डालूंगा ना, मतलब कोटे अपने पे पक्का। ये लो, ले रे चंद्या। लो भाई बियर लो। किधर टुक्का डाल रहे मामा? अरे सामने वाली चाल में दो खोली बेची ना। किसकी रे? परब और दलवी की। किसने लिया? मारवाड़ी है, रोकड़ कैश दिया है साले ने। पांडू मेरा खोली बेच बदलो तेरे को 3 महीने से। मामा मेरे को ही मामा बना रहे तू। अरे मेले अपनी खोली क्या रहा तू? देख जो देखता है देख के भाग जाता है। एक रंग का हाथ तो मार उस पे कम से कम। इधर खाने को एक दाना नहीं, रंग क्या खाक चढ़ाओ। जो कुछ था वो बीवी का टीवी निकल गया, ऊपर से पगार नहीं मिल रहा। मेलिया इतने दिन सबर किया, और थोड़े दिन। हाँ एक दो हफ्ते में सेटलमेंट हो जाएगी। भाड़ में कह रहे सेटलमेंट, मैं अपना खोली बेच के गाँव जाए। बचले 10 पैसे। वो गोली खाई। बाप के नाम से काशिया क्या कर रहा है तू? इतनी सी पोरी पे हाथ उठाता है? चल कब आए? एक एक पैसे की कीमत है मेरे को। ये बीड़ी पीना बंद कर रामी। एक तो उसका स्कूल जाना बंद करा दिया तूने। ए, फी कौन भरेगा? मेरा बाप। फी नहीं भरा करके 3 बार वापस भेज दिया उसको स्कूल से टीचर ने। भिखारी बन गए एमएल वर्कर। और कोकण जाके करेगा क्या? दाढ़ी माड़ी बेचूंगा। वही कर, अब बेटी को रख गले पे बेशर्म। क्या हुआ? दर्द हुआ ना। वैक्सीन कभी किया नहीं? नहीं। तो आज क्यों कर रही है? मिलने को जाने का है ना। कौन है? कौन क्या? वही सामने वाला जिग्नेश। पहली बार? और नहीं तो क्या? और फिर पैर को वैक्सीन? पहले ही बार सब कुछ मत करना, पहले इन पैसे वालों को काटो फिर बांटो। किस भी नहीं, किस चलेगा? इधर मिलने वाली है बैंडस्टैंड में। सोने की है, 22 कैरेट, दुबई की है। सच? हाँ। अब क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, छोड़ छोड़। अरे रहने देना, I love you darling। अब क्या हुआ? क्या हुआ क्या क्या हुआ? इधर तू बंदर की तरह कूदिया मार, उधर तेरा बाप सामान देने को खिटखिट करता है। आज तक किसी का पैसा डुबाया नहीं हम लोग ने। अन्ना का पैसा आने दे, पहले तेरे बाप के मुंह पे मारूंगी। ये ले, मुझे नहीं चाहिए। रखना। नहीं मुझे नहीं चाहिए। रखना। नहीं मुझे नहीं चाहिए। एक मिनट, मेरे पापा को बोला कि पैसे मेरे पास दे दिए। सच? हाँ, by God promise। I love you। अब क्या देखता रहेगा बंदर की तरह? हाँ, अब क्या हुआ? ये सब नहीं। क्यों नहीं? चित्रा बोली पहले पर सब नहीं, पहले काटो फिर बात। क्या? अब कुछ नहीं, आज सिर्फ किस। मैंने क्या किया? अरे तू नहीं रे, ये टेंग सर कर, बैठ बैठ। राइट टाइम पे रॉन्ग डिसीजन लेता है। मियादाद के लिए गोपाल शर्मा? हट। नहीं, मियादाद ने उसे आसमान में उड़ाया ना तो तेरे पैर के तलवे चाटूंगा। मेरे? ए साला दूंगा एक। अरे मियादाद को ऐसा लेफ्टी बॉलर चाहिए। है ना? और क्या, घावरी के जैसा। ए मोहन, बहुत हो गया क्रिकेट, ये डब्बे रख के यहाँ मिलके गेट पे, सायरन बजने वाला है। ये टेंग सर करके माँ फिट है? वो कैसे? राइट टाइम पे रॉन्ग डिसीजन लेती है। ऐसा क्या? परे टेंग सरकर कौन है?
चल भाग रे फट। अरे इधर आ, इधर आ, तेरी माँ की। ये क्या चल रहा है मोहन तेरा? अरे टेंसर कर मालूम नहीं इसको? कर्नल बोलना कर्नल। इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये दातड़िया मिलेगा तो दांत तोड़ दूंगा तेरे। ये क्या बचपना है तेरा, हैं? क्या डब्बे रख के नरू सोया उसको बोल। अरे तू जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? यस यस, मारा था सिक्स, बोला था ना मैंने। ए अभी दातड़िया मिल तू मेरे को, सिखा रहा था मेरे को। ऐसे तो बात करना ही बेकार है। अरे नरू, ए नरू, सुना मैंने, आ रहा हूं। अखा दिन बस आईने में मुंह काला करती रहती है। ये गले में क्या है? चेन। कहां से लाई? पगार हुआ ना? अरे करम जली, घर में अनाज का एक दाना नहीं, सारा उधारी पे चल रहा है और तू चेन पहन कर घूम रही है? सत्यानाश हो तेरा। नकली है वो, दुबई की, और बनिया की सारी उधारी चुका दी मैंने। सच कह रही है? हाँ, उसके बेटे के पास दिए पैसे, जिग्नेश। मेरी प्यारी बच्ची, देख देख बहन से कुछ सीख। अरे नरू, डब्बे दे। क्या रे, चर्बी बढ़ गई क्या तेरी? भाई नहीं होता ना, डाल दिया होता इधर ही तेरे। फिर से पुलिस वाले ले जाते तेरे को। ए नरू, क्या लपड़ा किया रे पुलिस के साथ? अरे कुछ नहीं रे माँ, वो गांधी जयंती पे लाउडस्पीकर लगाया था ना, उसकी परमिशन नहीं थी, इसके लिए लेके गई थी पुलिस। तेरी माँ। ए आई आई, देख ले मुर्दिया। अरे जा रहा हूँ, ए मंजू टी शर्ट दे। ए मोहन, जा दुकान वाले के पास। ले बाप, मोहिंदर ने इज्जत रख ली क्या? हार मचा दे। ए मंजू, नकली नहीं लगती है चेन? असली लाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? बाहर की तुलसी अपने आप नहीं बढ़ रही है। बड़ी हुई तुलसी दिखती है, बहन नहीं दिखती। वापस नहीं करूंगा। अरे बोलना क्या हो, नहीं तो देता हूं कान के नीचे एक। जाने देना नरू भाई, बाप ज्यादा मारेगा। ए क्या हो रहा है इसको? कुछ कुछ नहीं, रामा की दुकान से साइकिल लिया भाड़े पे, आधा घंटा ज्यादा चलाया, रामन दिया धपा धप। ए बाप को मत बोला नहीं तो वाट लग जाएगी। इसकी माँ की, ये ले डब्बे पकड़, मिलके गेट पे रख के जा। तू चल मेरे साथ। अरे तू चल रहा मेरे साथ? नहीं नरू भाई। ए तू जाना खड़ा के रामिया। अरे नरू भाई, आज इधर कैसे? ऐसे आया रे। तेरे साइकिल का एक घंटे का भाड़ा कितना है? अरे तुमको मालूम नहीं क्या? एक रुपया। और आधे घंटे का? आठ आना। आठ आना क्या? ए बाकिया इधर आ। अरे जल्दी आना। यार ना ले, दे इसको, दे दे। इसने आधा घंटा साइकिल जाते चला, उसके पैसे मिल गए। हाँ हाँ, हिसाब हो गया तेरा? हाँ। तू इसका नाक फोड़ा है, उसका हिसाब करके। अरे नरू भाई, ये भुक्कड़ लोगों का नाटक है। देख नरू भाई, हाथ नहीं उठाने का। नरू पड़ेगा ये।
पक्या? आया आया पक्या? अरे आ रहा हूँ रे। अरे किधर था रे? किधर क्या था, बाप का मार खा रहा था घर पे। ए, क्या कर रहे तू? लिबन ले रहा है। ये वो थमले, इसको लेने के बाद इसको ही लेगा। मैं देगा कान के नीचे, जो बोला वो कर। इतना इजी नहीं गया मेरा, कम वीक है। हाँ नरू भाई एक शीट देना बियर का, नाक फुटेला है, सर्दी हो जाएगा तेरे को। देना, दुखना बंद हो जाएगा। ले। ए, तू क्या कल खेलेगा? सोच रहा हूँ। सोच रहा है। ये सिप था तेरा? अरे बहुत दुख रहा था ना। ढक्कन ये बटाने है? हाँ जा मिल्टन से बियर लेके। ये तेरे को नहीं खेलेगा तो लाई इधर यार। कट्टे कट कट मारेगा चैंपियन। मैं फिनिश ही कर रहा था। मस्त, अभी वो तम ले ले तेरा दिमाग से ले। क्वीन गई देख। नरू कौन है? मैं। परशा भाई ने बुलाया। ये स्पीड ब्रेकर स्ट्राइक कर दे। कितना भी मार ले रामिया, इधर से निकल के तेरे को नहीं ठोकाना तो मैं दोबारा तेरी माँ की आँख तेरी तोड़े। उसको हाथ पर लगा, नहीं बोलता है तू। तो मरा रे रामिया। भाई समझाओ इसको। ज्यादा समझ में आता तेरे को? एक बजाय ना कान के नीचे, किधर ही मुँह का साले। अभी तू भी परजवाई गरीब कोई नर, ये बुकर ने 50 पैसे के लिए इसका नाक तोड़ा, तू भी दारू पीते। हाँ ए भाई को उल्टा बोलता है। इधर आ, इधर आ। सच बोल, क्या हुआ? बहुत बेकार लड़के हैं भाई, आपको भी बेच के खाएंगे। मेरे को शांत पति से खाएगा। लेकिन भाई साले इतने छोटे बच्चों पर हाथ उठाते तू? नहीं जाएला तुझे। चल चल। नहीं 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 नहीं, जाता वापस, मुंह मत दिखा। अरे क्या है? अरे पहले बोला था ना काले बुकर में मार गया। अपना भी इज्जत का पोजीशन है, झुकना अच्छा नहीं लगता अपने। ये देख कुछ भी चाहिए ना अभी आप उनको बोलने का। क्या ले? विस्की भी नहीं, वो अपन खाली बियर पीता। अच्छा आइला बियर पोड इसके लिए। परशा भाई एक ही आप उनको नहीं क्या? अगर There is globalization. लेकिन सिर्फ मिल ओनर्स ही वर्कर्स के अच्छे के बारे में सोचे। लेकिन ये ऐसी मिल बंद करना तुम सोचते हो इतना आसान नहीं है।
साहब अगर आप सोचो तो सब आसान है। देखिए मैं हेलो सर। हेलो मैडम सुके मिल से बात कर रहा हूँ। साहब है? हाँ एक मिनट आपके लिए है। Who's it? मिल से। हेलो साहब एक वायरमैन ऊपर से गिर गया है। मर गया? नहीं साहब सर पे चोट लगी है। अभी उसे अस्पताल लेकर गए। ठीक है कल देखते हैं क्या करना है। जी साहब। एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है साहब। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? ग्लोबलाइजेशन। यस ग्लोबलाइजेशन फॉर हुम? ओनली फॉर मल्टीनेशनल्स? बाकी सबको मरने दो। अरे तो आप शुरू करो मल्टीनेशनल, किसने रोका है आपको? पाटकर साहब पूरी जिंदगी हमने मिल चलाई है, वही हमारा धंधा है। हाँ थोड़ा डिपार्टमेंट चालू रखने के लिए हमारी तैयारी है, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। वो तो है ही, पिछले स्ट्राइक के टाइम भी गवर्नमेंट आप ही के साथ थी। हाँ, हाँ, और क्या चाहिए है? मिल में लैंड बेचने की परमिशन। महेंद्र सेठ लगता है आप हमारी सरकार गिराने के पीछे है। पहले ही मिल वर्कर्स नाराज है और ऊपर से ये डिसीजन लिया तो सब कुछ खत्म। सॉल्यूशन है क्या? नताशा पाटकर साहब ये फुल प्रूफ प्लान है। ये खेतान मिल है, यहाँ एक प्रोसेसिंग यूनिट है जिसे हम बंद नहीं करेंगे। बाकी डिपार्टमेंट्स सब वैसे ही बंद है जिन्हें हम डिमोलिश करेंगे। और वहां एक यू शॉपिंग मॉल जहां बॉलिंग एलेस रेस्टोरेंट्स मल्टीप्लेक्सेस होंगे। यहां 30 फ्लोर्स के 3 टावर्स बनेंगे रेसिडेंशियल टावर्स और यहां कॉर्पोरेट ऑफिसेस। इससे हमें बहुत फायदा होगा और हम वर्कर्स के ड्यूज ऐसे क्लियर कर देंगे। और बेकारी बढ़ेगी उसका क्या? साहब इस प्रोजेक्ट में उन्हें काम मिलेगा। अब शॉपिंग मॉल में सेल्समैन सेल्स गर्ल्स की जरूरत पड़ेगी। अब इतनी सारी फैमिलीज इस टावर में शिफ्ट हो जाएंगे तो उन्हें नौकरानियों की जरूरत पड़ेगी, सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारा काम ऐसा है। थोड़ा हमें भी तो कमाने दीजिए। इलेक्शंस भी पास आ रहे हैं, पार्टी फंड के लिए पैसा भी तो लगेगा। खेतान सेठ तुम्हारा जमाई बहुत स्मार्ट है। आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ हिम। क्या मजा करते हैं साहब। सर कैन आई मेक यू अ ड्रिंक? श्योर लेट्स कंटिन्यू एट द पूल साइड। ब्रिलियंट लेट्स गो। आई विल जस्ट जॉइन यू। यस यस कम ऑन लेट्स गो। ओके Who's with your wife? Relative? Dessert for you. After dinner. Let's have dinner. Please, sir. Look, Rania, आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं साले को, करी डालता हूँ देखते। छोड़ चल रहे, क्या समझता है अपने आपको? सर में 25 टाके हैं, पाँव में 2, हाथ में फ्रैक्चर है, 6 महीना चल नहीं सकता वामन। 10,000 की भीख दे रहा है क्या तू? दारू पीकर ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत थी? वामन पिया नहीं था। हॉस्पिटल की रिपोर्ट दिखाऊं? पैसे खिलाकर झूठे रिपोर्ट बनवा दिए भड़काऊ ने। राणे ये हद से बाहर जा रहा है। तू क्या उखाड़ेगा? गोविंद चुप। देखो महेंद्र सेठ तुमको हर जाना बढ़ा कर देना पड़ेगा। नहीं हो सकता। फिर हमको लेबर कोर्ट जाना पड़ेगा। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा फिर जान देना क्यों बहस करता है इस कुत्ते से। So get out. ये कभी बाहर अकेला मिला ना तो साड़ी पहनाकर भीख मांगवाऊंगा तेरे से। ना गोविंद छोड़, चल चल यहाँ से। करी डालता हूँ यार आज ही से। गोविंद पकड़ पकड़ता है तू यार। साइन कर। हाँ अरे मर जाएगा एक दिन। क्या हुआ? 200 रुपए दिए थे ना तेरे को, 2,000 लिख रहा है। हाँ आप साइन कर। क्या यार तू भी इतना क्या घुस गया रे मैच में? अरे आज का लास्ट ओवर है, 70 रन चाहिए। ये ओवर रह गया ना मोहिंदर कल मैच जीत जाएंगे अपन। तू और तेरी मैच। ये ले कार्ड। अरे 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 काटा के कुछ? अरे काटा काय का, गई ना मैच गई। क्या गरज थी सेकंड लास्ट बॉल पे ड्राइव मारने की? अरे जीतती है रे इंडिया, बाबा जी का बैंगन जीतेगी इंडिया। है कौन खेलने को? फिर भी जीतती है। कैसे? बियर पिलाएगा तो बता दो। ए बैदे का क्या हुआ? बैदे का जाने दे रे, पहले बता इंडिया कैसे जीतेगी वो बता। अरे क्या बोलू, मैच फिक्स है रे। हाँ फिक्स है मतलब? ये देख 15 का भाव है पाकिस्तान पे, 8 का भाव है इंडिया पे। लोग लगाएंगे किस पे? पाकिस्तान पे। जीतेगी इंडिया। बुकी का बर
माल अंदर। दिनकर ये क्या 8 का भाव 15 का भाव रे? ये देख तू 1 रुपया लगाएगा ना इंडिया पर और इंडिया जीती तो 8 रुपए मिलेंगे तेरे को। 100 रुपया लगाया तो 800। दिनकर 25,000 रुपया लगाया तो। तुम्हारे घर पुलिस आई है क्या? हाँ हाँ ओ पार क्या हो गया? कौन तुम्हारा लड़का है? हाँ 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 25,000 का घपला क्या उसने बैंक में? अरे माजा कर्मा अभी तक केस रजिस्टर नहीं किया है। साहब बोले पैसे भरो लड़के को छुड़ा कर ले जाओ डिलाइल रोड पुलिस स्टेशन। बाबा क्या करने का अभी? बर्बाद है ये घर, मेरा नसीब भी खराब है इसलिए इस घर में पैदा हो गया। अरे पर क्यों रे पक्या क्या हुआ? अरे नरू ये क्या कर रहे हो? कुछ तो करना पड़ेगा। नरू की आई ये 2,000 रुपए है मेरे पास। हुँ? चलो दुरी। मैं भी आ जाऊं? नहीं तबीयत जरा नरम है ना। तुम थोड़ी खानदान के मर्द बस पुछिला दे घर पे बैठे रहना ठीक है? चल मंजू। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगर जरूरत है तो मैं पहुंच जाऊंगा। साहब घर में जितने पैसे थे सारे ले आई हूँ। इसका क्या करेंगे बाजी? ये तो ज्यादा से ज्यादा 6-7 हजार है, बाकी के पैसों का क्या? थोड़ा थोड़ा करके चुका देंगे सारे पैसे, किसी का एक पैसा भी हमने कभी नहीं खाया। देखिए माजी बैंक मैनेजर भला आदमी है इसलिए उसने अभी तक केस नहीं की, लेकिन 25,000 नहीं मिले ना तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। साहब पिताजी की ग्रेजुएटी के पैसे थोड़े ही दिन में मिलने वाले हैं, आते ही दे देंगे। हमारा मोहन वैसा नहीं है। मैंने कब कहा वो वैसा है, लेकिन मेरे हाथ में क्या है? आप एक काम कीजिए बैंक मैनेजर से बात कीजिए। यूज़लेस साला। मोहन मोहन आई मोहन क्या रे छोड़ दिया पुलिस ने? ऐसे नहीं छोड़ा, 25,000 रुपए भरे मैंने। तूने कैसे भरे? आपको क्या करना है? कर्जा था तुम्हारा, इस घर में जो पैदा हुआ चुका दी। तू क्या बाहर ही खड़ा रहेगा? आ अंदर आ। मैं 10 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ नाटक लिखने। मेरे आने तक नया तमाशा मत करो। आई मैं वो जन्म का बदला लिया। आई को पुलिस स्टेशन का मोदी गया। आई को पुलिस स्टेशन का मोदी गया।
मच्छू गलती हो गई रे, माँ को माफ नहीं करेगा। गाड़ी के नीचे जाके जान दे बोली थी ना, जाता हूँ, जान ही देता हूँ। गुस्से में बोली रे, तुम बच्चों के सिवा मेरे पास कौन है यार, कितना मारा रे मेरे बच्चे को, मेरा हाथ छेड़ क्यों नहीं गए, कितना मारा मेरे बच्चे को। मोहन सीधा है, बेचारे को लगा था पैसे मिलेंगे तो मेरी शादी होगी, लेकिन उसका नसीब ही खोटा। हमारा मन करने को जाता है एक और होता कुछ और है। अब तो नौकरी भी गई, पता नहीं क्या करने वाला है। छोड़ना मोहन को। ये रुक रुक, बुलाया है ना, उसमें मजा नहीं आता। नहीं कुछ हुआ तो? क्यों डर रही है, मैं हूं ना। नहीं नहीं, लेकिन को कुछ हुआ तो तू शादी करेगा ना मेरे से? हाँ हाँ, I love you ना। ए, रुक रुक। अब क्या हुआ? लाइट बंद कर। रहने देना। नहीं क्या? मुझे शर्म आती है। बाबू को भेजा है डॉक्टर को बुलाने के लिए। शाखा से एम्बुलेंस मंगाऊं? नहीं, सब ठीक हो जाएगा काशा, मरेगी तो छूटेगी सब। भाई ये घनश्याम फोन नहीं उठा रहा है, अपने को नड़ रहा है साला। अरे अनवर के दम पर फुदक रहा है वो घनश्याम, पाँव में गोली डाल साले के। भैया में डाल देते। नहीं सबकी फटनी चाहिए बस, कोई गेम खेलो तो अपने बच्चे फंस जाएंगे। ये रुक रे, ये ले। ये 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 असली बंदूक? नहीं दिवाली की है कि नहीं? अरे तू क्या देख रहे है लेना? अरे भाई वापरने का कैसा मालूम नहीं ना? मैं भी क्या ऊपर से सिक्के आए क्या? ये देख, ये ऐसा प्यार से हाथ में लेने का, ऐसा हम पकड़ने का और ट्रिगर दे बने। चल चल इधर आ, इधर आ। क्या हुआ भाई? 10,000 है। दो। अरे जल्दी जाओ, विसर्जन खत्म हो जाएगा। ये मन में क्या है? तब दिवाली वाली नहीं है ये, ना ये इसका गोली है। क्या गोली है? घेड़े निकल बाहर। गोली किधर डालेगा? के अंदर ऐसा डाल के इसको ऐसा बंद करने का।
को बोलते घोड़ा है चौपड़ी में बांधता हो गधा है अभी बंकर बन गया तेरा चल किधर मैं भी आता ना टोटो मैं क्या शादी का फोटो निकालने जा रहा हूँ तू छह एलपी मंगा के रख मैं जा के आ रहा हूँ एलपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कोई जब रहा न पाए करना पड़ता है मामा पापा ने इतना कुछ किया तो पापा के लिए भी तू कुछ करना पड़ेगा अरे अनवर के नाम पे उछल रहा क्या परसे भरे बुलाया फिर भी नहीं आया तू आगे पैसे कब देगा बोल अगले हफ्ते लाके देता हूँ चल रख फास्ट फास्ट और हाउ आर यू मदर इंडिया ये सब क्या है नहीं कुछ नहीं नाश्ता बिस्ता लाया घर के लिए कौन सी दुकान लूट के आया लूट के नहीं लाया है पसीने का कमाई है मातारी एंड मातारा वेयर इनके बाहर पत्ते खेल रहे होंगे नो प्रॉब्लम ओके आप गिव दिस इज क्वार्टर फॉर मातारा इंग्लिश एनरू चोरी वरी तो नहीं किया ना अरे नहीं रे माँ अभी सब लेवल में आ गया टेंशन मत ले तू अभी तेरे डब्बे वब्बे बंद कर अभी सब तू एक काम कर अगले हफ्ते तू और अन्ना अष्टविनायक को जा मैं स्पॉन्सर करेगा ना और उसके पहले ना ये किधर गए ये पैसे रख सच बता तू ऐसा वैसा धंधा तो नहीं कर रहा है ना अरे नहीं रे माँ तू चाय रख ना माँ तो फिर भगवान जी के पास पैसे रख ठीक ये आपके लिए है मिस्टर गॉड नर को अकल दी रे मोहन को देखा क्या मोहन हाँ मोहन बैठा है बाजू में अपने स्पॉन्सर के पास मिस्टर सावडेकर तेरे इन बच्चों का घर में पैर नहीं टिकता एक तो मामी के घर में बैठा रहता है और दूसरा एक महीना हो गया है क्या लिखने गया है लौटने का नाम ही नहीं ले रहा तू टेंशन मत ले अभी उसका नाटक अभी मैं स्पॉन्सर करेगा मोहन को एक नौकरी दिला देना मोहन को ना माँ मैं दुबई भेजता हूँ पहले वो 15 नंबर की शिंदे को भेज ऊपर क्यों क्या किया उसने क्या 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 किया चेहरे को ना क्या मालूम मैं उसको बोला शिवजयंती की वर्गणी दे 11 रुपए तो बोला कान के नीचे 11 रुपए निकालूंगा अरे शिवजी की कोई इज्जत ही नहीं यार अरे सही है ना पांडू अभी गरीब आदमी बेचारा 11 रुपए किधर से लाएगा देने के लिए अरे मतलब शिवजयंती कैंसिल अरे काय का कैंसिल चाहेला मराठी आदमी के पास एक ही चीज बची मनाने को वो भी कैंसिल करेंगे क्या फिर अभी क्या करने का तू एक काम कर सब दुकान वाले से चंदा ले हाँ जितना कम पड़ता ना मैं स्पॉन्सर करेगा कलर पिक्चर रखेंगे अपन हमारा पर एंथनी क्या बोलता है ए, कौन है उसमें अरे अमिताभ बच्चन ये अमिताभ बच्चन है चले बाटली फोड़ा माल निकाल सॉलिड है ना ए बंदा आना नीचे आ नहीं नहीं मैं बहुत थक गई सोने वाली हूँ ये अमिताभ बच्चन को देख कितना जबरदस्त एक्टर है मामा पिक्चर बंद करूँ क्या तुम्हारी लव स्टोरी दिखता हूँ ये तू चल चुप बैठना अपना सुधरेगा नहीं कम कर अपना देगा कान की जाए ये
लगेगा क्या किया, नाक के बाल जल गए, दस बारह चूहे मर गए तेरे पोछे में। तू चुप बैठना बाबा। क्या मोहन किधर? धार मार के आता हूँ। जाना है चाली के पीछे। एजुकेटेड हूँ मैं तेरी तरह नहीं, चाली के पीछे जा। चल देख पिक्चर। बाजू है। तुम मेरा फ्रेंड अकबर को मवाली लोग से मार खिलाए। बॉल हाकी नहीं। हरू भाई, मोहन गया ऊपर। चंगा। तेरे को क्या करनी है? हाँ लेकिन उसने भी कल्टी मारी ना। दिप्पी, तेरे को जाने का है? नहीं ना, तो चुपचाप बैठ, पिक्चर देख। मेरा हाथ दिख रहा है, मस्त है। मोहन, मम्मी नाखून लग रहे हैं ना। मोहन, मोहन, जल्दी। थोड़ा रुक ना मम्मी। नहीं रुक सकती रे मैं, बहुत रुकी 12 सालों के शादी को। मोहन, मेरे पेट में एक बच्चा देना। बांझ बांझ सुन के थक गई रे मैं। ना किसी पूजा में बुलाते, ना किसी नामकरण में। बांझ मुख के बाहर रखते हैं रे मेरे को। 2 साल पहले सगी बहन की बेटे के पारसे पे गई थी, बेटे की गाल की चुमी ली तो खट के गाल पे मार दिया रे मेरे। मेरा सावर देकर आदमी बुरा नहीं, लेकिन भगवान अच्छे आदमी को सब कुछ नहीं देता ना मोहन। एक बच्चा दे। क्या हुआ मंजू? कुछ नहीं, वो भजिया खाई थी ना इसलिए तकलीफ हो रही है। कल से उल्टी कर रही है? कल ही तो भजिया खाई थी ना। मंजू, पैदा होते ही एक बच्चा नहीं मरता ना, तो 5 बच्चे की माँ होती मैं। पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन अकल दी है भगवान ने। कुछ भी मत बोलाई। पिछले महीने में रस्सी पे कपड़े नहीं दिखे? हाँ, नहीं, वो होता है ऐसा कभी कभी लेट ना पीरियड्स को। बोला डॉक्टर। कौन सा डॉक्टर? असलनी, असलनी बोला। फिर चल मेरे साथ। नहीं आई, अभी तो दवा खाना बंद है ना। मजू, मेरा मेरे को बहुत डर लग रहा है। तू 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 सच बोल, भगवान की शपथ। नहीं 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 आई। इधर मौसाला करके आई। अरे जिग्नेश की तो शादी हो गई है 5 साल पहले। अरे अरे उसकी बीवी को अभी 17 साल हो गया है, इसलिए उसको लाने को गया है राजकोट। हमारी बहू की फैमिली बहुत स्ट्रांग है, उनको अगर ये पता चल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और उनकी माँ, कुछ तो करो। नहीं आई, मैं नहीं ऐसा करूंगी। तो क्या ये हरामी की माँ बनके घूमेगी? जिग्नेश को आने दो, उसने मुझसे शादी का वादा किया है। अरे वो शादीशुदा है, अपनी बीबी को लाने गया है। तू झूठ बोलती है, उसको आने दो। अगर वो 2 महीने नहीं आएगा तो क्या ये पेट फुला के घूमेगी? है
बाबा, ए बाबा, बाबा। मोहन देख अन्ना क्या बोल रहे हैं। क्या चाहिए अन्ना? पानी, पानी, पानी चाहिए रे उनको बाबा। तो देना, मुझे क्यों बोल रहे हैं? और ना लो ना फिर पानी, काय को चिल्ला रहे हो? मेलिया, तू देगा तो हाथ झर जाएगा क्या? आई तेरे को समझता नहीं, इनको खुद से उठने की कोशिश करनी चाहिए ना, नहीं तो ये रिकवरी कैसे होगी? ओ राजेश खन्ना, अभी तुरंत मत उठो, मैं देता हूँ पानी। लो। ये आई, वो घर घर बंद करना, एक शब्द नहीं लिख पा रहा हूँ। जहाँ घर घर नहीं वहाँ जाकर लिख। क्या आनंद? अरे रानी काका आई, रानी काका आई। है? हे मिलिया, आई आई। उठ। तू किधर जा रहा है अभी? पड़ोस में मुल्ला के दौड़ मस्जिद तक। नमस्ते। अरे नहीं 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 मास्टर, उठो मत उठो मत। अचानक कैसे? नहीं मास्टर को मिला ही नहीं था ना मैं। आना गोविंद बैठ। ये कौन है? ये गोविंद रहाटे, मेरे साथ यूनियन का काम करता है, इधर रहता है ये रंगारी बदक चाल में। अच्छा अच्छा। हाँ। नमस्ते। नमस्ते, मेरा लड़का आपको पहचानता है। होए, कौन? गणपत नाम है उसका, क्या बोलते हैं वो स्पीड ब्रेकर। अच्छा अच्छा अच्छा, गनिया के पिताजी हैं आप। हाँ। बैठो बैठो, मैं चाय रखती हूँ। मंजू पानी दे। और मास्टर कैसी तबीयत? आप गेट मीटिंग में नहीं तो मजा नहीं आता है। अभी आपको क्या है, अच्छा हो जाना चाहिए फटाफट, अभी बहुत जोरदार लड़ाई देनी है अपने को। ऐसा मास्टर आप लेटे रहेंगे तो कैसा चलेगा? हाँ कितनी बड़ी हो गई है मंजू। हाँ बड़ी हो गई। एक तो मैं ऐसा, ऊपर से ग्रेचुटी के पैसे नहीं, मोहन की भी नौकरी गई और ये बड़ी हो गई। मास्टर टेंशन मत लो, सब सब ठीक हो जाएगा, मत रो मत रो। एक बात बोलू राणे? हाँ बोलो ना मास्टर। एक बार इसकी शादी हो गई ना, मैं छूट जाऊंगा। सॉरी, तय किया था कि जल्दी आऊंगा लेकिन शादी की रात को भी देर हो गई। क्या है, मेरी दो शादियां हो गई। एक तुमसे एक यूनियन से, उसमें डॉक्टर साहब ने आज ही गेट मीटिंग रखी। नहीं फिर पेपर देखो, फाइल देखो, एग्रीमेंट देखो। सॉरी हाँ, वापस भूख लगी होगी ना? मैंने खाना खाया है। अच्छा किया अच्छा किया। तुम्हारा लगाऊं? नहीं, मैंने भी मिल की गेट पे भजी खा ली थी, कल वापस डॉक्टर साहब ने गेट मीटिंग लगाई है। जरा कुछ हो गया कि डॉक्टर साहब बोलते रहते हैं राणे को बुलाओ राणे को बुलाओ। ये हरी साड़ी अच्छी दिखती है तुम्हें। बात बतानी थी। क्या? शादी से पहले लफड़ा हुआ था मेरा, उसमें। हाँ मास्टर ने बताया था। फिर भी शादी की मुझसे, बड़े दिल से, मुझ पर एहसान किया ऐसे लगा होगा ना तुमको? नहीं ऐसा नहीं है। तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ नहीं कहना, बताना है। एक बात तय की थी मैंने, भूखी कुंवारी मरूंगी मगर मेल वाले से शादी नहीं करूंगी। गरीबी
परेशानी, साल में एक साड़ी, दो वक्त का खाना, हर दो साल बाद घर में झूलने वाला झूला, बस इतना ही देखा मेरी आई ने जिंदगी में। जब से मुझे अकल आई है हर दिन उसको थोड़ा थोड़ा मरते हुए देखा है मैंने। मेरे भी नसीब में यही दिन लिखे थे। मील का सायरन बजता है तो छाती में धड़ धड़ होती है मेरे। अब आदत डालनी पड़ेगी। अब सिर्फ देखते मत बैठो, बत्ती बुझाओ और शादी के बाद जो करते हैं ना करो जल्दी। तुम्हारी गेट मीटिंग है मालूम है, मुझे भी पार्लर में काम है। शॉट मारा हाँ सॉलिड, अब फिनिश कर सकता है तू। ना 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 नहीं, पहले इसको ले। हाँ शाबाश। नहीं इसको ले, क्वीन को ले। मामा मैं क्या लुक्का हूँ, मेरे को भी समझता है ना। ये बाबा खेलना, तेरे को जैसे खेलना है खेल। सुमी तू कुछ मत सुनना। हाँ बोला था ना तेरे को। सॉरी। सुना तो नहीं तूने। ओ मामा चलो खाना खाने को, ये लास्ट बोर्ड है, 5 चाहिए जीतने के लिए। जाओ ना तुम्हारी जगह मैं लेता हूं। वो तो रोज ही लेता है। अरे यार क्या बोला रे? किधर क्या? मेरे नाद में मत लगा। मैं किधर लग रहा हूँ? अरे नरू भाई। क्या नरू सेठ कैसा है? अरे इसे क्या हुआ? छोड़ो ना उसे, तुम जाओ खाना खाने को, चलो यहाँ से। चलो यार मैं खा चुका। ओ बसंती पवन पा। अरे नरू कहाँ था 2 दिन से? अच्छा क्या टाइम पे आ गया? खाना तैयार है। क्या बात है नरू? बाबा तू 25,000 रुपए किधर से लाया था? कौन सा 25,000? जो मोहन ने लफड़ा किया था उसको छुड़ाने के पैसे किधर से आए तेरे पास? ए तुझे क्या करना है? तू तेरा काम करना। किडनी पे पूरी जिंदगी निकल सकती है। अरे तो मेरे को बोलता ना पैसा मैं लेके आता। लाया था? हाँ साले लाया था। कोई तो लाया था क्या? बाबा सबको लगता है कि मुझे घर की कुछ पड़ी नहीं है, मुझे भी पड़ी है समझा? मुझे भी पड़ी है। सब मैं नहीं कमाता हूं ना, लेकिन क्या करूं? लेता नहीं है ना कोई नाटक मेरा, लेता नहीं है। हाय डैड, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? आना पड़ा बेटा, क्या कर रहे हो? विविंग डिपार्टमेंट बंद नहीं करेंगे, ऐसा डिसाइड किया था ना हमने। तुमने सब मशीन्स बाहर निकाली। डैड ये डिसीजन लेना जरूरी था। अंजाम जानते हो? अंजाम जो भी हो हमारे लिए अच्छा ही हो। वर्कर्स वॉयलेंट हुए हैं। कुछ दिनों के लिए वॉयलेंट रहेंगे, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया तो वो सर चढ़ जाएंगे। उनको डराना जरूरी है, तभी वो कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार होंगे। लेकिन बेटा मैं चिल डैड, लेट मी मेक यू अ ड्रिंक। देखो ये लोग वर्कर्स की मांगे पूरी करने को तैयार है। ऐसे ही बैठे रहेंगे? कुछ तो बोलिए। मजदूर भूखे मर जाएंगे लेकिन इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। राणे इतना भी निगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। साहब आप भी उनकी तरफ से बोल रहे हो? आप भी किसी जमाने में यूनियन लीडर थे, भूल गए? क्या चाहते हैं आप मुझसे? हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं। मिलके सारे डिपार्टमेंट शुरू कर दो और मजदूरों का अटका हुआ पैसा दिलवा दो। दोनों मांगे पूरी हो जाएगी।
लेकिन आपको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब? मतलब मजदूरों को पैसे मिलने चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। देखो खेतान सेठ भी मुश्किल में है, आप उनको मिल की थोड़ी जमीन बेचने की एनओसी दे दो, वो मजदूरों के सारे पैसे वन स्ट्रोक में दे देंगे। प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। कल के कल सब डिपार्टमेंट शुरू हो जाने चाहिए। अभी आज रात को थर्ड शिफ्ट में। अरविंद राणे जिंदाबाद, कामगार यूनियन जिंदाबाद, अरविंद राणे जिंदाबाद, कामगार यूनियन जिंदाबाद, अरविंद राणे जिंदाबाद, कामगार यूनियन जिंदाबाद। खाओ खाओ, पेड़ा खाओ, पेड़ा खाओ, पेड़ा खाओ। भाइयों, ये सब अपने राणे साहब की वजह से हुआ है। यार कोर्ट में गए, आ रहे हैं। अरे क्या कोर्ट में गए, वो देखो राणे साहब आ रहे हैं। राणे साहब जिंदाबाद, कामगार यूनियन जिंदाबाद, कामगार यूनियन जिंदाबाद, अरविंद राणे जिंदाबाद, अरविंद राणे जिंदाबाद। बस बस, गोविंद राठे कहाँ पर है राणे साहब? अरे वकील के पास पेपर रेडी नहीं था ना, मैंने बोला गोविंद तू बैठ इधर, पेपर साथ में लेके आना। अरविंद राणे। बस 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 बस, तुम लोग इधर बाहर क्यों खड़े हो, अंदर क्यों नहीं गए? अभी तक गेट ही नहीं खुला है। अरे गेट नहीं खुला, वॉचमैन कहाँ? आया ही नहीं इधर। वॉचमैन, ए वॉचमैन, वॉचमैन, एक मिल बंद हो रही थी, बंद की जा रही थी, या खत लिखने की वजह जलाई जा रही थी। यूं तो सब ठीक है, बचपन की वो यादें, वो इमली की महक आज भी तेरी याद दिलाते हैं। मैं जानती हूं मंगनी में मेरी तो मुझ पे कितना जली थी। शादी करके मैं मुंबई जाऊंगी, ये बात जब तूने सुनी थी, हमेशा तुझसे झूठ कहा कि महलों में हूं रहती, अपनी मोरी से भी छोटी खोली में अब घुट घुट कर हूं मरती। मर्द की छोटी सी तनख्वाह में बस जैसे तैसे जीते थे, पर कॉकरोच मारने की दवा के पैसे हर महीने लगते। 4 महीने हो गए, बच्चे स्कूल भी गए नहीं, फीस नहीं, खाना नहीं, क्या करें समझ में कुछ भी आए नहीं। इतने साल बाद आज कॉकरोचों पे बहुत तरस आ रहा है, उन्हें मारने की दवा कितनी कड़वी होती है ये आज समझ में आया है, ये आज समझ में आया है। खत लिखने की वजह यूं तो सब ठीक है, लेकिन इतनी मुसीबतों के बावजूद मजदूरों को विश्वास था डॉक्टर आबा सावंत पर। उस दिन रोज की तरह डॉक्टर आबा सवेरे सवेरे अखबार पढ़ रहे थे और अचानक सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट हुआ या करवाया गया अब तक पता नहीं, लेकिन मजदूर हिल गए। क्या रे श्रेया, स्टोव छुपा के कहाँ लेके जा रहा है? नहीं छुपा के नहीं, रिपेयर करने के लिए। क्या पकाएंगे? स्टोव बेच के, गहने बेच के, बर्तन बेच के,
साला वायर के अंदर का तामा पीतल बेच के मजदूर अपने दिन गुजारने लगे। आखिर में बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा उनके पास, या शायद कुछ बचा था। हाँ, कुछ बचा था। श्रेया, बीड़ी है क्या रे? नहीं रे, बंडलिज खत्म हो गया। अरे चंद्या, बस ना बीड़ी, 12 बज के गया, चल जाएगा सोने। रुक रे श्रेया, बच्चे लोग सोए नहीं होंगे अभी तक यार। उनको बोल के आया था कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। मेरा आज का दिन तो निकल गया। कैसे? अरे मेरी बीवी की छोटी बहन के पास गया था शिवड़ी में। मेरी साली इतना मुंह फुगा के बैठी थी, मैं भी बेशरम खाना खाए बिगर निकला ही नहीं। नसीब अच्छा है तेरा। 10 रुपए। ये संगीता किधर जाती है इतनी रात को काम करने को? काम पे क्या खा जाती है, धंधा करती है वो। मेरी बीवी को भाजी वाला भी नहीं देखता। चल चंदा, मुझे डर लगता है, चल। मजदूरों की ये हालत खौफनाक थी, लेकिन उनके बच्चों की उससे भी ज्यादा। क्या हुआ? क्या हुआ क्या क्या हुआ? पिछले एक घंटे से इसे खुजा रहा हूं, दुखने लगा। नजीब तो क्या करेगा पांडू? वो देख, लुक्खा आया, उसको पूछ। अरे पगया, क्या हुआ तेरे हाथ को? दांत लग गया रे बाप का। बाप का? पी के आया ठस। आई को बोल रहे खाना दे, अभी होगा तो देगी ना वो। बाप ने बजाई माँ के कान के नीचे। आई ना, मेरी तो पूरी हट गई, फाइट दिया मुंह पे। बाप के? आई रोकती नहीं ना तो अत्तड़िया निकल देता था उसकी। आजकल बराबर है, नहीं वरन बात लोंचा कौन ना कौन चा। सही बोला। तुम लोगों का क्या? इधर क्या, काला कुत्ता भी नहीं घुमा इधर। चलो, मतलब आज भी भूखे? साला एसिड हो गया पेट में। एक लिमिट सोए आ रही है। चलो क्या चिरकुट लोग, बजा कितना? माँ बाप ने घर से निकल दिया क्या? घर से क्या निकलेंगे, इधर पैदा करके पछता रहे। कौन नहीं पछताएगा? ए बेवड़े, 40 रुपए देना भुर्जी पाव खाने के लिए। तेरे बाप ने रखने को दिए, आर खाओ। ए देना, ये 10 रुपए पीने के लिए पैसा है तेरे पास? ए जेब को हाथ में लगाने का, मैं तो दे डालूंगा इधर ही। ए लुके, वो बोलता है तो दे डालना। मेरे को लुका बोलता है? तेरी मां। क्या देख रहे हो, मेरे शादी में आओ। चलो, कितना पैसा निकला रे? भुर्जी पाव की गाड़ी तो बंद नहीं हुई, लेकिन ये बच्चे लोग की भूख बढ़ गई और साथ में हिम्मत भी। अरे बोलना, पैसे बस फिर क्या था? नहीं नरू भाई, माँ कसम परशा भाई का पैसा मैंने नहीं लिया। तो क्या उसकी बीवी झूठ बोल रही है क्या?
उसने गाड़ी में पर्स रखा, तूने पैसे वंडास किए। अभी पैसे किधर है बोलो, घर जाना अपने। नरू भाई अपन के पास नहीं है पैसा। माँ की 5000 रुपए के लिए कुत्ते की तरह मार खा रहा है साले। बोल ना पैसा किधर है। कब से देख रहा हूँ, बोलता नहीं है, बोलता नहीं, मेरे पास देना। देख कैसा बोलते जैसा बोलने लगेगा। सर को देख अपने, जा इधर से। ए कुछ नहीं रे नरू भाई, इसकी बोला नहीं, पर दूंगा नहीं। कैसे रखते हो, निकल जा इसको। चल चल इधर, छोड़ रे, बैठ जा। बियर दी। ये जो मेरे छोकरे ना, छोकरे कुत्ती जात के, अभी खाली तेरा सर फोड़ा है, ठोक देंगे तेरे को ये लोग। ए बोइंग, देख रहे फोन पे कौन है? देख पैसे मिले बिना मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं। हेलो, कौन? बहुत प्यार से समझाया। शालू? हाँ शालू। हाँ बोल शालू। वो है क्या? कौन? नरू। हाँ नरू है क्या? नहीं है। किधर गया? बाहर गया। किधर गया वो? अरे माँ की आंख, क्या लफड़ा गया शालू के साथ? अरे लफड़ा करने का था यार, आज उसको मिलने को बुलाया और मैं भूल गया साला। ये सब सब इस साले की वजह है। ए मैं जाके आऊंगी, फटा फट आता हूँ कसम से। इसका क्या करेंगे? अरे इसको बिठा के रखना, मैं जाके आता हूँ। रुक, बोलना काय को फुकट में मार कर रहा है। मैं फाइंड आउट करूं तेरे को। ए सुन, एक घंटे में आ रहा हूँ, बच्चे लोगों को संभाल, ज्यादा पीने मत दे अभी। ए बस कर बे। हाँ नरू भाई। हाँ कैसी हो मंजुताई? अरे मंजू, आज बड़ी देर कर दी, मैंने सोचा तू आज आएगी ही नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसे चुप क्यों? थोड़े पैसे चाहिए थे। पैसे? अन्ना की दवा के बिल चुकाने हैं, दवाई खत्म हो चुकी है, घर का भाड़ा भी थक चुका है। हमारी बुड्ढी कल घर आके रो रही थी। कितने चाहिए? कम से कम 5000। अरे बाप रे, इतने तो नहीं होंगे मेरे पास। 1000 होंगे, चलेंगे? उतने से कुछ नहीं होगा। नरू होता ना तो टेंशन नहीं होता। वो कहाँ है? अरे वो अंदर है ना, पिछले 3 महीने से। वो हाफ मर्डर की केस है ना उस पे। अब क्या करेगी तू? देर हुई, चलते हैं, 1 मिनट में चलते हैं। कल मालिक ने बातचीत के लिए बुलाया है, लगता है कोई अच्छा हो ही जाएगा। अरे भगवान, खुशखबरी है कि क्या है? पहला बेटा ही मांगता है, बेटी होगी तो क्या खर्चा बढ़ता है। हम लोग का मजाक उड़ाने के लिए बुलाया इधर? मजदूरों का पैसा 4 हफ्ते में देंगे, ग्रेचुटी 60% देंगे,
और हम लोग अपना इस्तीफा आपको दे दें? इतना देने के लिए भी बाहर से पैसा उठाना पड़ेगा। ये हमको क्या पागल समझा करे? तुम्हारे यहाँ रोज नई गाड़ियां आ रही है, पुराने बंगले तोड़कर नए बांध रहे हो, और एक मिल मजदूर की पूरी जिंदगी की कमाई तुम्हारे चार कुत्ते महीने भर में खाते हैं। राणे, इस बहस का कोई अंत नहीं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मिल की जमीन बेचने के बाद वर्कर्स के ड्यूज इमीडिएटली दे दूंगा। खेतान से, ये एग्रीमेंट में जो लिखा है ना, वो मिलने का गारंटी नहीं है। आपकी जबान पे कौन भरोसा रखेगा? अरे पिछले 6 महीने से मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। अरे मजदूरों की बीवियां दूसरों के बर्तन मांझने लगी है, बच्चे गलत रास्ते पे चले गए, कितनों ने जान दे दी, अभी भी आप लोग मजाक कर रहे हो हम लोग के साथ। काशीराम के साथ जो हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है। इनफैक्ट मैंने एक चेक भी रखा है कॉम्पेंसेशन का, ड्रॉअर में रखा है, अगर चाहे तो अभी ले जाओ। चेक लेके क्या काशीराम का मंदिर बनाओ क्या? टाइम पे देता तो 3 जन की जाने बचती। भुक्कड़ साला। भुक्कड़ तेरा बाप साले। बस हो गया, नहीं तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर यहां से भेज दूंगा तुम्हें, साला थर्ड क्लास भिखारी। गोविंद क्या कर रहे हो? साला भिखारी बोलता है, बनाया किसने? राणे बातें बंद, प्लीज गेट आउट। गोविंद एक दिन घुटने टेकने पड़ेंगे खेतान से। ऐसे ही कहता हूं। कम है 5 कम है, फुलटू करने गए। अरे 2% का मिल वर्कर, ये भी फुलटूच करने गए। फिर 7 5.5 6 लास्ट। एडवांस 3 है। तेरा ताले ले ले। वरवंटिया काले कोट को फोन लगा, नरू की बेल करनी होगी। ठीक है। अरे वरवंटिया पक्के बाट देर बाद में भी ठीक है रे। चल चल मेरी 100 की जान। हाँ चले मेरा 100। हाय नरू। अरे नरू आजा 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 बैठ 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 बाबा बैठ। क्या बैठ पर्चा भाई, 15 दिन में निकालता हूँ बोल के 2 महीना सड़ा है मेरे को जेल के अंदर। अरे थोड़ा प्रॉब्लम था रे बाबा, मैं जानबूझकर ऐसा करेगा क्या? तकलीफ थी रे बाबा। अरे क्या तकलीफ था पर्चा भाई, 2 बार 30 दे रहे मालूम है पुलिस ने मेरे को। 200 अभी ठीक है ना तू? हाँ अभी अभी ठीक है। हलवे जैसा सुपर मिला है अभी, कम से कम 2 पेटी तो छापेगा। क्या पर्चा भाई 2 लाख? हाँ फुलटू गेम बजाने का है। फुलटू पार्टी बड़ी होगी फिर। अरे इसकी माँ का कोई तो मिल वर्कर है साला। मिल वर्कर कौन है? अरे वही तो पता नहीं चला ना साला। साला मिल वर्कर के 2 लाख वट बढ़ गया मिल वालों का भी बॉस। अरे लड़ बापू तू। ये पक्या खेलना लियर बात में। नरू भाई वो बच्चे के लोग फालतूगिरी करते, बोलते नरू भाई मिल वर्कर को टपकाएगा। हाँ तो बराबर बोल रहा है वो। ये अभी तू फालतूगिरी मत कर, मिल वर्कर को क्यों? अरे ऐसे ही मरे ले वो, छूट जाएंगे साले। अबे 2 लाख मिल रहा है, तेरे माँ बाप को लेंगे, मेरे INI को लेंगे, कोकण जाके सेटल हो जाएंगे अपुन। बराबर नहीं बराबर लगता है। हाँ अरे मेरे को किधर बराबर लगता है, लेकिन अपने को तो माल अंदर करने का ना। माल अंदर क्या माल अंदर, अपुन तेरे को परमिशन ही नहीं देगा। क्या नहीं देगा तू मेरे को परमिशन? हाँ अभी क्या मैं तेरे से परमिशन लेगा? हाँ लुके दोस्त दोस्त बोल के तेरे को सर पे बिठाया तो क्या कान में बूतेगा? हाँ ए बारिश आने वाला है, तू गारे मंदले रे, तू चल अंदर खाना खाने।
क्या हो रहे चलो गाय को चिल्लाए? अरे अथेड़िया चल गई है चाय पी। फिक्र मत कर, कुछ तो अच्छा हो जाए। राणे साहब कोर्ट में केस आ रहा है। राणे बोल रहे थे फैसला आप उनके साइड में ही लेंगे। है किधर राणे? पूरा दिन कोर्ट में गया, मैं ही बोला उनको जाओ घर जाओ। तब ये हड़ताल खत्म होगी ऐसा हो गया, लड़के लग गए सब आउटलाइन। सच बोल रहे, मैं भी स्पीड ब्रेकर को मिल में चिपकाने वाला हूँ क्लीनिंग लाइन। उसकी माँ बोल रही थी आजकल दारू भी पीने लगा। इसमें बच्चे की क्या गलती है? परसों दारू पी के मैंने बीवी पे हाथ उठाया, उसने लगा दिया एक फाइट। स्पीड ब्रेकर बोल रहा था बीड़ी है क्या? सो हो गया, टेंशन मत ले तू। अरे बादशाह भाई गोविंद था वो, गोविंद। अरे तुम्हें को बोला तो मांगता ना गोविंद है करके। अरे मेरे को भी किधर मालूम था, वो मंदिर से बोला भी नहीं। अरे भाई दर्शन की मां की आग, मेरे स्पीड ब्रेकर का बाप था वो। हेलो। हाँ परशा भाई, पुलिस को खबर मिली है कि नरू ने मर्डर किया करके। क्या? हाँ वो पुलिस को पक्की खबर है कि नरू ने ही मर्डर किया है। अच्छा ठीक है ठीक है, अब क्या करने का? अब फोन रख चल। एक लफड़ा खत्म होता है दूसरा शुरू होता है। मतलब पुलिस को खबर लग गई है मर्डर नरू ने किया है। कैसे? महेंद्र शेठ ने खबर दिया होगा ना। नरू भाई अब क्या करने का? नरू भाई परशा भाई भी मेरा क्या होगा? तू टेंशन मत ले रहे, मैं सब हैंडल करते हैं। तो काम कर, 10-12 दिन के लिए कहीं तो भी वनटास हो जा। लेकिन परशा भाई वो 2-4 दिन में 2 लाख तेरे घर पे आ जाएंगे, मैं पहुंचाएगा ठीक है? अब चल भागने तो पुलिस आएगा इधर, चल जा जा। नरू चल निकलते यहां से, चल 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 चल। नरू भाई अभी क्या करने का? नरू चल पहले भागते हैं, तुम लोग भी भागो। चल चलो मेरे साथ चलो। आप क्या करेंगे परशा दादा? हम लोग क्या करेंगे? हां चलो चलो जल्दी जल्दी आगे आओ। चलो हां ये ले सही कर, चल ये तेरा पहला हफ्ता है। आगे आओ रे, जल्दी जल्दी आना यार आगे। हां तेरा नाम बोल। चल जादव जादव, ये पैसा दे रे, ये ले पैसा ले। ये पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता अगले महीने में मिलेगा, चल सही कर। तेरा नाम क्या रे? आ गया दिलीप पाकट। अरे क्या कर रहे हो भाइयों? अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? पैसा ले रहे हो? अरे मैनेजमेंट वाले अपने को बना रहे हैं, मत लो पैसा। रामचरण मेरी बात सुन। अरे मत ले पैसा, बना रहे अपने को, ये सब अपने को फंसा रहे हैं। अरे भोसले तू भी इधर पैसा लेने को खड़ा है? मेरी बात सुन, मत ले पैसा। निकल यहाँ से नहीं तो बजाऊंगा कान के नीचे। तू मेरे को
कान के जा। अभी क्या बोलेगा इसको? अरे तू ही पैसा लेने को खड़ा है, तू ही ऐसा करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? देख अभी कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा एक महीने में, थोड़ा टाइम ले। सुन गण्या, ए राणे जा, तुम साला लीडर लोग ने हम लोग को बर्बाद किया है। आयला भाई लीडर, यार तू मैनेजमेंट में नहीं था मेरे साथ, तू यूनियन में नहीं था। राणे दिमाग की मेरे तू वाट मत लगा, शाना है तो तू भी लाइन में खड़ा रहे। जाए गण्या मत ले पैसा, मेरी बात सुन। राणे तेरे को बोला ना दिमाग की माँ पे रहमत कर। तेरे भौजी को समझा? अरे मेरी बात सुनो। छोड़ना लुखा है वो, क्या है चला। अन्ना ये गलत किया आपने। इतने चिढ़ क्यों रहे हो रानी, शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत रहूं, औरों का तो ठीक है लेकिन अन्ना आपने भी पैसे ले ली, जमाई के पीठ में छुरा खोप दिया आप। रानी वैसे भी तुम्हारा सम फंसने ही वाला था। कैसे? अरे वहां पूरा सोवियत यूनियन गिर गया, फिर भी आप लेफ्टिस्टों को पता नहीं चल रहा। कैपिटलिज्म के खिलाफ अब लड़ नहीं सकते आप, मार्क्स के सिद्धांत अब भूल जाओ। अरे मार्क्स के सिद्धांत को कौन जानता है इधर, और उन्हीं की जीत होएगी याद रखना। तुम लोग सब पैसे के पीछे अंधे हो गए और मालिक उसी बात का फायदा उठा रहा है। ओ भावजी चिल्लाओ मत। मैं चिल्ला रहा हूँ मैं? अरे 9 महीने की मेहनत में पानी फिर गया, जरा जरा सबर नहीं कर सकते? ओ भावजी और कितना सबर करेगा आदमी, जान दे के मर गए लोग, जो नहीं करना था वो भी धंधा किया लोगों ने। हाथ में कटोरा लेके अब भीख मांगना बाकी है। ये तो भीख भी मांगने नहीं देंगे, खाली पेट मारेंगे। ए नमकरा क्या बोली तू? क्या बोली? ए छोड़ छोड़ उसको, ए बस हो गया कर रहा था, मैं तो डाल दूंगा यहीं पे। अरे मैं नाटक कर रहा हूँ, ये नाटक है? अरे इतना लोगों के लिए काम किया, किसी को कीमत नहीं है मेरी, मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं नाटक कर रहा हूँ। रुखा है सुराने, एक नंबर रुखा है। मेरी कीमत नहीं है किसी को। मौन रुक। दूरी, हे बाबा देखना, अन्ना, हे दूरी, क्या हुआ? अरे बोलना, हे दूरी, क्या हुआ? बोलना, अन्ना, 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 दूरी, दूरी, बाबा का डॉक्टर को ले आता हूँ, जाना जल्दी जा, दूरी, अब कोई फायदा नहीं, बोलना, क्या हुआ? अन्ना इतनी जल्दी तुझे छुटकारा पाने नहीं दूंगी मैं, अपने कर्मों का फल भुगत दिया पहले, अपने पैरों से नरक जाएगा
मेरे को मालूम है मैं नरक जाने वाला हूँ, गलती हो गई है मुझसे, लेकिन कसम से कुछ दिनों में अपने आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। शुक्रवार को दशक्रिया है बाप की। आऊंगा मैं, लेकिन माँ वो वर्ली पे दशक्रिया मत करना, माँ पुलिस की फिटिंग होगी। तू एक दिन पहले वर्सोवा चली जा मौसी के यहाँ, मैं सुबह पहुंच जाऊंगा। चल वर्षा, मैंने जो 2 लाख रुपए दिए संभाल के वापरना। कौन सा 2 लाख? हेलो। हाँ महेंद्र शेठ, नमस्कार। हाँ पर्ष, बोल फोन किस लिए किया था? मैं 8 दिन हो गया हूँ गोविंद का गेम बजाकर, 3 अभी तक आया नहीं। अरे परशा, उसकी औकात ही कितनी थी, जितना एडवांस दे उतनी भी नहीं थी। हाँ पर बोली तो 6 ही थी ना, याद है ना? अरे ऐसे यूजलेस इंसान के लिए अगर मैंने 6 दे दिए तो क्या इज्जत रहेगी मेरी या तेरी? 3 देगा कि नहीं देगा देखते हैं, देखते हैं। देखो थोड़ी सी टेंशन चल रही है, और मुझे बार बार फोन मत करना, डोंट लाइक इट। क्या कुत्ता समझा क्या तेरी माँ? इतना खोया महेंद्र शेठ, क्या हुआ दादा? अरे पलटी मार रहा है साला, पैसा नहीं देगा बोलता है। उसी का गेम बजाते हैं ना, इसको मार के कुछ फायदा नहीं। फिर क्या करने का? पहले ही दिया होता तो बुढ़ा मरता नहीं। बुढ़ा मर गया इसलिए जल्दी पैसे मिल गए थे। क्या? बहुत नेक इंसान था मेरा ससुर, लेकिन फोरसाइट नहीं थी। मिल वालों के प्रॉब्लम में जिंदगी भर उलझा रहा, करोड़ों का नुकसान हो रहा था। महेंद्र शेठ, तुम तो साला मुझसे भी ज्यादा डेंजर है। प्रैक्टिकल हूं। चिंदी चोरी किए बगैर हमारे साथ रहोगे बहुत तरक्की करोगे। यस बॉस। चले वरवंड जा। भाई की जाए, कितना कमीना आदमी है ये। हाँ बराबर नहीं आदमी है महेंद्र शेख। अरे खुद के ससुर को मार दिया उसने। अरे इन लोगों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। 3 लाख मिले तो जाते हैं ना चम चम। जी आयल, तेरे को कुछ काम धंधा नहीं करे? हाँ कल ही गया था ना देखने को मुजरा, तेरा क्या है रोज का नाटक है? दादा हाँ जरा जाके आऊँ। बियर बंद कर, बियर बंद कर, साला नल खुल गया तेरा, जा जल्दी लीवर फट जाएगा साले का एक दिन। छेद डाल दूंगा अंदर, हाथ निकालो उधर से। अरे नरू, अब क्या मेरे को बंदूक दिखाएगा तू? परशा भाई को? अरे साला अपना दोस्त है तू यार। इसलिए मुता दोस्ती पे? क्या बात कर रहे तू? साला मैं मुता दोस्ती पे? अरे गोविंद के मर्डर से बाहर निकालने का पूरा बंदोबस्त किया है मैंने। अच्छा? हाँ दोस्ती की कसम। 2 लाख रुपए घर पे पहुंचाने वाला था तू? अरे 2 टाइम गया था रहता है घर पे पैसा लेकर। पुलिस का साला इतना फील्डिंग लगा था ना, मैं बोला खाली फुकट लफड़ा हो जाएगा,
इधर लिखा है क्या? मैं लिखा हूँ। अब तेरे को भरोसा ही नहीं हो रहा तो क्या करूँ क्या मैं नरू? ए नरू, ये लो, तीन है तीन, दोस्ती खाते में एक ज्यादा, गिन ले गिन ले, अरे गिन ले, ले ले तेरा ही पैसा बाबा, ले ले तू, ले 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 ले। अरे लुखे भुक्कड़ साला, मेरे को बंदूक दिखाएगा? मेरे को बैग दे, चला बैग ला इधर। तू क्या देख रहे दबा घोड़ा? गलती हो गई नरू, माफ कर दे मेरे को। देख, दस लाख देता हूँ मैं तेरे को, ये तीन सात, सात में तेरे को अभी देता हूँ ना, अभी तो चल घर चल मेरे साथ। बम्बई में नहीं देखूंगा मैं, चला जाऊंगा। एक मौका दे, पैसे दिए बगैर ही जा रहे क्या? गया होता तू, उसको भी ठोक देता था यहीं पर, गया होता तो। चल इधर किधर, ये है ना, तो चलो। अजम्य ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः। पूर्वोच्चारित वर्तमान एवं गण विशेष विशिष्टायाम पुण्यतिथौ दोनों आँखों को पानी लगा लीजिए। अनालिद नवदेव शंख चक्र गदाधर क्षय पुंडलिकाक्ष प्रेत भक्ति प्रदो भव तथसी पुष्प शंकाशम पीत निर्मल वाससम। ये फूल और तुलसी पिंड का अर्पण करिए। हे नमस्यन्ति गोविंदम न तेषा विद्यते द्वयम्। पिंड के ऊपर पानी अर्पण कीजिए। और कोई रिश्तेदार आने वाला है? छोटा भाई आ रहा है। आना होता तो कब का आ जाता। अब चलो, अब अपना काम करो। चल चल पिंड के पैर कर ले। थाना जी धुरी, आज आपके बच्चे और सगे संबंधी रिश्तेदारों ने यहाँ आकर आपकी सेवा की है, जो आप कबूल कीजिए। अब सब लोग कौवे को काव काव करके बुलाते हैं।
ने मारा ये पुलिस को कभी पता ही नहीं चला क्योंकि मेरे आई ने किसी को बताया नहीं। कमाल की औरत थी मेरी आई। दिन बीतते गए और लोग अपने अपने काम में लग गए और वो दिन बहुत सालों बाद मैंने मेरे आई को इतना खुश देखा। अरे इधर उधर क्या देख रही है नरू की माँ? ये देखो इधर लिखा है नाटक का नाम बर्फाड़ेला ज्वालामुखी, लेखक अनंत धूरी, दिग्दर्शक भाड़ में जाए दिग्दर्शक। अरे बेटा जो कहा वो सच करके दिखाया। अरे धूरी देखो देखो बेटे का नाम आया है पेपर में। ए नरू तूने नहीं किया लेकिन किसी ने तो तेरे भाई का नाटक किया है। देख देख कितना बड़ा इश्तिहार आया है पेपर में। ए आई वो पेपर बाजू में रखा और चल मेरे साथ। किधर? साड़ी खरीदनी है तुम्हारे लिए। कल पहला प्रयोग तुम मेरे साथ देखोगी। अरे नहीं नहीं मेरे को तो शर्म आती है, मैं क्या समझूंगी नाटक वाटक। समझेगा नहीं तो भी चलेगा, तुम्हें आना पड़ेगा। अगर नहीं आओगी तो नाटक ही नहीं होगा। पागल। चलना ही जल्दी, मुझे रिहर्सल के लिए भी जाना है। इमामी वो मोहन आएगा ना तो उसे चाय बना के देना। तू चिंता मत कर मैं दूंगी। ये आई चल अभी पेपर छोड़। ये आई मम्मी पानी आई 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 ने मेरा पहला नाटक देखा ही नहीं, वही पेपर पढ़ते पढ़ते। अनंत जिंदगी भर बहुत सहा उसने, बहुत दुख उठाए, लेकिन जाते वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक सुकून था। अनंत कैसे जिए तुम लोग? We've always lived in a protected shell, but क्या लोग थे वो? जिंदा दिल, full of life. नहीं मानसी, they always lived under the threat of death. हमेशा मौत के साए में जिए वो। चले। अब मंजू और मोहन कहाँ हैं? मिलना है? हाँ बिल्कुल। मंजू वही हमारे पुराने घर में रहती है। एंड रानी? रानी भी उसी के साथ, क्योंकि स्ट्राइक के चक्कर में उसने अपना घर बेच दिया। हाँ ये आ गई लक्ष्मी कॉटेज, अभी भी वही फटीचर रूम की चाल। रानी उठो खाना परोस दिया है मैंने, चलो फिर 2:30 बजे अपॉइंटमेंट है मेरी पार्लर में। फिर ठंडा हो जाएगा खाना तो फिर से किरकिर करते रहोगे। हाँ मुझे कभी कभी पूरा बहरा लगता है। उठो। अरे अरे बाबा कितने महीनों बाद,
थोड़ा काम में बिजी था। हाँ। मंजू ये मानसी है मेरी। हाँ, समझ गई। अभी सब बताते मत बैठो, मेरे को ना जान देने को भी टाइम नहीं है। बैठो बैठो मानसी बैठो। क्या है ना, आज सुबह पानी जल्दी चला गया, फिर रात के बर्तन अभी तक पड़े हैं। खाना पकाओ, सारा काम करो, इतनी थक जाती हूँ ना मैं। और ये है महाशय कि बिल्कुल हाथ नहीं बटाते। चाय लेगी मानसी? नहीं नहीं ना, ठीक है, मुझे भी पार्लर में भागना है ना। तू कभी शांति से आना, हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। ओके। हाँ। क्या बाबा कैसा है? मस्त। तुम कैसे हो? हाँ, फर्स्ट क्लास। आज अचानक कैसे? मेरे को मिलने को आया है वो, आपको नहीं। खाओ। अरे अरे मंजू, वापस नमक देना भूल गई तू। खुद उठ कर ले लो, बढ़िया है बाजीराव। मंजू दे ना। अरे क्या दे मंजू, रोज दोपहर को काम छोड़कर इनको खाना खिलाने घर आती हूँ मैं, खुद उठकर ले नहीं सकते, हाथ टूट गए हैं। बढ़िया यूनियन लीडर। क्या है ना बाबा, तेरी बहन को अकल है नहीं। हाँ। एक महीने में कोर्ट का निकाल आ जाएगा, सब कामगार पछताएंगे देखना। क्या है ना बाबा, किसी को मेरी लायकी समझ में नहीं आ रही। इनको समझती तो ये पत्थर तो गले में नहीं पड़ता। क्या क्या बोले तू? कुछ नहीं रे मेरे राजकुमार, आराम से खाना खा। आती हूँ मैं मानसी, आती हूँ। बाबा अच्छी है रे मानसी। मानसी तुमने क्या देखा रे हमारे बाबा में, वो थाली धो के रखना। ये बाबा खाएगा थोड़ा? नहीं आप खा लो, मैं निकलता हूँ, मुझे जरा काम है। बाद में टाइम लेके आना, हाँ, कोर्ट का निकाल आने के बाद। हाँ, थोड़ी थोड़ी लेंगे इंग्लिश। हाँ हाँ चलता हूँ। हाँ चलो, दो मिनट में सैंडल पहन। हाँ होने दो, पहन लो पहन लो आराम से। ए मामी एक चाय देना। ए आई चॉकलेट देना। कितने मिलेगा चॉकलेट? ए मामा आई को बोलना चॉकलेट खाने को नहीं बोलती है। अरे उसको क्यों पूछता है, मैं देता हूँ ना। मत रे मोहन, दांत खराब होगा ना उसका। अरे मेरा भांजा है वो, कुछ नहीं होगा। चल रे चल। चल ना फिर। अरे कपड़े तो पहन। अरे मेरे को गर्म होता है। एक मारूंगा कूलर में। चल डाल कपड़े, गंदी आदत पड़ी है तेरे को नंगा घूमने की। ए आई कपड़े देना। मोहन को ही बोल कपड़े देने। मोहन सेठ। अरे बाबा। बाबा तू कब आया रे? अभी थोड़ी देर पहले। मंजू क्या बैठा था? बाल कितने पक गए। चल अंदर आ। नहीं नहीं देर हो रही है तो। ये कौन है? ओ सॉरी, ये मानसी है मेरी। शादी किया? नहीं शादी नहीं, लेकिन लिव इन है ना। मतलब तुझे नहीं समझेगा। मामा नहीं दिखाई दे रहे? अभी यहाँ थे, ये देखो आ गए। क्या मामा कैसे हो? कौन रे? अरे देवा। लेखक महाराज खुद। अंदर आ, ए बियर खोल। नहीं नहीं आज नहीं, फिर कभी। अच्छा मेरे बेटे को मिला कि नहीं? हाँ मिला था, पिछले बार आया तब मिला था। इसका नाम नरू रखा है इन्होंने। बहुत याद आती है रे उसकी। खैर छोड़, देख शक्ल मिलती है ना मुझसे, गया ना मेरे ऊपर, सेम टू सेम डिट्टो कार्बन कॉपी। और मामा ये क्या, वापस दे रहा है, दुरुस्त आए। चलो मैं निकल। मामा चलना चॉकलेट लेने। अरे कपड़े तो पहन ले पहले। आई कपड़े। राणे चलता हूँ। हाँ मामा सिगरेट देना। एक ही है, चल बांट के पी लेते हैं। कितनी फैसिनेटिंग चाल है ना? मुझे तो एक कब्र लगती है जिंदा लाशों की। जल्दी इस कब्र पर बड़ी बड़ी इमारतें होगी आसमान को छूती हुई। हंस क्यों रहे हो? आज हम कहते हैं डायनासोर थे, कुछ साल बाद कहेंगे मिलवर्कस थे। चलो डर लगने लगा। चलो जिग्नेश को देखना। हाँ हाँ हाँ। वो देखो। अनंत सब बच्चे लोग कहाँ हैं?
वाटाणे और दाताड़े का एनकाउंटर हुआ एक साल पहले। बोइंग 2 साल से जेल में ही है, पक्का स्पीड ब्रेकर के साथ काम करता है, लेकिन उसका भी एनकाउंटर हो जाएगा। अब वो करते क्या है? परसा के पुराने अड्डे पे रहते, परसा के मौत के बाद उसके अड्डे पे उन्होंने कब्जा कर लिया। वो वहाँ है, वो नया जो सीलिंग बना ना उसके पास। परसा के लोग अभी उनके लिए काम करते हैं। और क्या करते हैं ये बताने की जरूरत है? Look at the beautiful skylines. This is the city of Mumbai, the city of gold. This is the city of dreams for everyone who comes down. Mumbai is the place where even slums have a crown. But this is a tale that you never heard. This is the city of gold, no place for you no more. Rhythm and groove brings in with the other. Listen to the story in a rhyme from Mahesh Manjrekar. क्या बोलते भाई लोग? सुन कहानी मुंबई की। साला 7 आइलैंड का था ये शहर। कोहली, भंडारी, सूर्यवंशी, कृष्णों का था ये घर। रिक्लेम करके 7 से बन गया 1। ऐसे ऐसे दिया कॉमनमैन को बाहर फेंक। गिरगांव गया डोंबिवली, दादर गया कांदिवली, वरली गया ऐरोली, जो रायले दंजी पूरी वाट लग गई। फिर सालों का ध्यान गया मिल पे, लिया उन्होंने दिल पे, गिरनी में लगा दी आग। वर्कर्स को बोले ए चल भाग, तेरी लायक ही नहीं यहाँ रहने की क्योंकि ये मुंबई बन गई है सोने की। एक ऐसा टाइम था जब मुंबई में रहता था तू, सपनों को सच करने की खातिर तो जीता था तू। अब किधर है तेरी औकात जीने की? यहाँ एक स्क्वायर फुट में भी खड़ा ना हो पाएगा यहाँ। साला 70,000 पर स्क्वायर फुट लालबाग पर रेल ये तेरा घर था, अब है पैसों का ये खेल। अरे का कणत जगतो है? सी नाउ यू ग्रोन ओल्ड, दिस इज द सिटी ऑफ गोल्ड। समझे क्या बाबूराव? सिटी ऑफ गोल्ड। तो भाई लोग कैसी लगी मुंबई की स्टोरी? है ना सॉलिड? ठीक नहीं फिर ये तुम लोग अभी मुंबई में रहते हैं? लकी लोग है साला।